कुशीनगर जिले के फाजिल नगर के नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में बड़े बड़े नेता सत्ता हासिल करने के लिए एडी से चोटी तक अपनी ताकत लगाए बैठे हैं। चुनाव को ने फाजिल नगर के नगर पंचायत चुनाव में समाज के साथ चलने वाला गरीब का बेटा आशीर्वाद के रूप में हरजन का मत के लिए दर दर आकर अपनी जीत के लिए निवेदन कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं वो कौन है जो फाजिल नगर को विकास की ओर ले जाना चाहता है। बात करेंगे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो हर समय 24 घंटे 7 दिन लगाकर आपकी सेवा करना चाहता है। फाजिल नगर नवागत जो क्षेत्र फाजिलनगर बना हुआ है, नगर पंचायत फाजिलनगर में पहुंचा हूं और जो चुनाव की सरगर्मी है काफ़ी तेज़ हो गई है। इस संबंध में मैं आपसे मिलने आया हूं और किस पार्टी चुनाव आप लड़ेंगे, क्या मुद्दा आपके रहेंगे, ये क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, मूल समस्याओं पे किस तरह आप पेश पाएंगे, तमाम चुनौतियाँ आपके सामने हैं और आपसे हम बात करने के लिए आए हैं। सर आपका पूरा नाम? नमस्कार, मेरा नाम इरफान खुर्शीद है और सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हो हैं हमारे नगर पंचायत के, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई जो है धनबल और एक ज़मीनी नेता के बीच में है। जैसे कि वो लोग धनबल का इस्तेमाल करके आज के डेट में आ रहे हैं, जो हर गांव में अभी तो दारू बांट रहे हैं और उस गाँव की औरतें जब मैं जा रहा हूँ तो डायरेक्ट करें कि बाबू हम लोग आपके साथ, जब कोरोना काल पड़ा था तो लगातार आपने हम लोगों का आके मदद किया हर स्तर से, चाहे राशन पानी से, चाहे हमारे लड़के जो बाहर में जो फंसे हुए थे उन लोगों के लिए आप व्यवस्था कराएं, आप पैसे भेजें। तो उन लोगों के बदौलत मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन ये लोग अपना एक काम नहीं बता पाएंगे जो ज़मीन पर लोग किए हों, जो आम जनता के लिए किए हों। चाहे संघर्ष की करने की बात आ जाती है तो तुरपट्टी रोड के लिए लगातार हमने 19 दिन धरना प्रदर्शन किया, चाहे जोकवा अमा खुर्द सोहंग गढ़िया नौकीपट्टी हिदासपट्टी भलुई, ये सब में जब पानी जब पड़ रहा था, जब पानी से पूरी जल जमाव थी तो वहाँ की अस्थायी व्यवस्था कराने के हम लोग संघर्ष किए, उसके बाद से हुआ उजारना रोड के लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन में मैं ही एकलौता यहाँ से हूँ पूर्वांचल से, जो 4.5 महीना किसान आंदोलन दिल्ली के सड़कों पर मैं रहा हूँ, लेकिन ये लोग एक अपना संघर्ष के नाम पर कुछ नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या किया। जब कोरोना काल में जब जरूरत पड़ी थी इन लोगों का तो ये लोग सब अपना अपना कोना पकड़ के बैठे हुए थे, लेकिन जब चुनाव का टाइम आ रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं 5 करोड़ खर्चा करूंगा, मैं 7 करोड़ खर्चा करूंगा और सोच रहे हैं कि पैसे के बल पे जीत जाऊं, उसके बाद से यही जनता से जो है कि पैसा वसूलने का वो लोग काम करेंगे। लेकिन मेरा ये काम है कि मैं तो ज़्यादा धन बल का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से मैं आता हूं। लेकिन फिर भी मैं जनता के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहता हूं और लड़ता रहूंगा, चाहे आखिरी सांस तक रहे तो मेरी एक एक कतरा मेरा खून का जो है कि आम जनता के लिए निछावर रहेगा। मेरा आपसे जानना है कि चुनावी मुद्दा क्या रहेंगे आपके? सबसे पहले चुनावी मुद्दा जो है कि हमारे नगर पंचायत का जो है बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, रोड व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, आज के डेट में आप कहीं पे जा रहे हैं तो बिजली की समस्या सबसे जर्जर है। कुछ दिन पहले जब दशहरे के मेला में तार टूट जा रहा है तो वहाँ का पंडाल जो है कि एक दूसरा राड जो है वेल्डिंग हो गया था, उसको मैं रोका था वहाँ पे, रात को 3:30 बजे तक मैं उसको लगने नहीं दिया। 3:30 बजे के बाद से जब एसओ साहब आए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।